Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आरज़ू के खेल में ये भी कैसा खेल है। आमिर और तुझ पे लाइन मारे। हुसैन की मलका खुद आती है आमिर को लाइन मारने, वो देख। बीवियां इस बात पर आसमान सर पे उठा लेती है, आपको कोई परवाह ही नहीं। अगर अब्बू ने शादी कर ली हसीना से तो वो विलायत में एक से एक हैंडसम मर्द को छोड़कर बेहिसाब दौलत को ठोकर मारकर हसीना यहाँ शादी करने नहीं आई। मारिया को फूड पॉइजन हुआ कैसे? अरे उसकी माँ के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई थी? दो रोटियां नहीं बना के दे सकती थी उसे। बाप कहाँ था उसका? उसका बाप गया था मंडी शहर से बाहर जानवर लेने। और माँ, माँ क्या कर रही थी? माँ बेटी का सुन के बेहोश हो गई है, डॉक्टर उसको देख रहा है। वाह, अब कौन है मारिया के साथ? आमिर और कुछ मोहल्ले वाले गए अस्पताल। हद हो गई है, आप जल्दी से किसी बच्चे को भेज के रिक्शा मंगाइए, मुझे जाना है मारिया के पास अभी। चल मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, आपको जाना होता तो पहले ना चली जाती। जल्दी से भेजे किसी बच्चे को, मुझे देर हो रही है। अच्छा मैं खुद लेके आती हूँ। हद हो गई। बाजी वो मेरा बैंड, वो मेरा 200 रुपए किराया तो दे के जाओ। तुम करा दिए बगैर ही भाग रहे हैं, शराफत से मेरा किराया दे दो। अगर नहीं देगा ना तो मैं उधर ही जाके छोड़ के आ जाएगा जिधर से तुमको लाए। अरे भाई बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अभी अंदर जाती हूँ, तुम्हारे 200 रुपए भिजवाती हूँ वहां से। ओए मेरे अल्लाह, थोड़ा देर में आग बन जाते, थोड़ा देर में पानी बन जाते। ये औरत है या क्या बला है यार? अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा। ओए यार रक्षा रेट के अंदर कड़ा कर दिया, रक्षा तो साइड पे करे यार। इकट्ठी पतंग आमिर, ये मारिया को फूड पॉइजन हुआ कैसे? वो दरअसल मैं कहाँ है मारिया? अंदर वो डॉक्टर देख रहा है उसे। बच्ची है कैसी? ठीक ही होगी बस। डॉक्टर
भी कम वक्त ताड़ू ही निकला। ये जरा ताड़ना बंद करेंगे आप और बताइए कि मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है। तुम जैसी स्टाइलिश औरतों की वजह से ही तुम्हारे बच्चों को फूड पॉइजन होता है, समझी? घर में तो तुमसे रोटियां नहीं पकाई जाती। अरे डॉक्टर साहब, वो मारिया की तबीयत कैसी है? मुझे क्या पता, नर्स आएगी तो उसे पूछ लेना। और हाँ, मेकअप जरा कम किया करें और अपने इन खूबसूरत हाथों से खाना बनाने की जहमत कर लिया करें। अरे हसीना जी, कंट्रोल कर। ये मारिया की माँ होश में आए ना तो सबसे पहले मेरे पास लेके आना। ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी ना कि कयामत तक ठिकाने ही रहेंगे। वाह, उसकी वजह से ये दो कौड़ी का डॉक्टर मुझे सुना के चला गया हसीना को। इसकी ये जरूरत। ये कैसी तबीयत है मारिया की? कौन मारिया? मैं नहीं जानती मारिया को। अरे वो जो अंदर है उसका नाम मारिया। गरम क्यों हो रहा है? वो भी होश है, अगर होश में होते तो नाम पूछ लेती। अच्छा दफा करो, ये बताओ उसकी तबीयत कैसी है। मुझे क्या पता, होश में है तो पूछ लेना। होश कब आएगा उसे? ना आई तो ना आई, मैंने भी होश थोड़ी की है इसे। अगर उसे होश ना आया ना तो सारे अस्पताल के होश ठिकाने लगा दूंगी। आप जाएं। हसीना जी, आप कंट्रोल कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? अरे ये अस्पताल है, तुम्हें पता है लंदन में जानवरों के अस्पताल इससे 10 गुना बेहतर होते हैं। लंदन की क्या बात कर रही हैं, वहाँ तो जानवरों के भी हुकूक ज्यादा होते हैं। आप जाइए, मैं डॉक्टर के पास हो गया। आप जाइए। ये क्या है, ये सफाई किया तुमने? तू क्या अस्पताल की मालकन लगी है? हाँ मालकन हूँ मैं। और मालकन है? और रब तेरा शुक्र। और ला 6 महीने की तनख्वाह दे। क्या हो गया, बोलती बंद हो गई है? जिस्म में पानी की बहुत कमी है, कंटिन्यू ड्रिप लगी रहेगी। सर खतरे वाली तो कोई बात नहीं ना? कुछ ड्रिप्स लग जाए, उसके बाद कुछ टेस्ट करवाने होंगे। एक कटी पतंग। अपने ये लटके झटकों से मर्दों को लट्टू बनाना बंद कर दे, वरना बस में लपेट कर वापस फ्लाइट भेज दूंगी। आज मैं उसको मार के रहूंगी। क्या हो गया है? अरे खुद को संभालो, गुस्सा काबू करो, खामखा मोहल्ले में तमाशा बनेगा। मुझे बताओ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब आपका दुआ है, अल्लाह का रहम। अल्लाह हर किसी को अपनी पनाह में रखे। आपको हुआ क्या है? ओए डॉक्टर भाई, हम खुद तोड़ा है। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? वो है ना खूबसूरत औरत, वो हमको इधर लेकर आया भाई। हम तो रक्षे वाला है, रक्षे वाला। मेरे को लगता है डॉक्टर भाई आपका तबीयत खराब हो रहा है। उठो, खड़े हो और दफा हो जाओ यहां से। ओ डॉक्टर भाई, मेरे को मेरा 200 रुपया खून देगा। आई से गेट आउट। खुदा के बंदे, निकलो यहां से और दफा हो जाओ। डॉक्टर भाई, मेरे को मेरा 200 रुपये कौन देगा? कौन देगा? निकलो। कौन देगा 200 रुपये? आउट।
डिस्कस्टिंग। हेलो, मैंने मना किया ना कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। जब तक ऑपरेशन थिएटर के सारे इक्विपमेंट ठीक नहीं हो जाते, मैं एक भी ऑपरेशन नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जैसा कहा है तुम मरीज को वैसा कह दो। सर मैं बैठ सकता हूं? नो, यस नो, ओ नो। मैंने यस तुम्हें नहीं कहा, तुम मरीज को मना कर दो बस। कहिए क्या तकलीफ है? नहीं जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो मैं मारिया की तबीयत के बारे में पूछने आया। हद हो गई, मारिया की तबीयत मारिया से जाके पूछो, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मारिया की तबीयत कैसी है? सर वो मारिया उस मरीज का नाम है जिसका आप इलाज कर रहे हैं, वो जिसे फूड पॉइजन हुआ है। अच्छा, वो जिसकी वालदा 16 साल की मॉडल बनी फिर रही है? नहीं, वो उसकी वालदा नहीं है, वो तो हसीना है, अभी हाल ही में तलाक लेकर आई वाला है। अच्छा, मेरी बीवी को भी मरे हुए 10 साल हो गए। बहुत अफसोस हुआ आपकी बीवी का सुनकर, मगर इस वक्त मैं मारिया की तबीयत के बारे में पूछने आया। हाँ हाँ, रिपोर्ट आ जाए तो फिर बात करते हैं। एक मिनट, वो फूड पॉइजन की पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है? ठीक है, मेरे पास ले आओ। ओ, क्या है? कौन? मैं? हाँ तू, इधर आ। क्या? सफाई कर ली? सफाई कर ली। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये सफाई किया तुमने? ओ, तू क्या अस्पताल की मालकन लगी है? हाँ मालकन हूँ मैं। ओ मालकन है? रब तेरा शुक्र। और ला 6 महीने की तनख्वाह दे। क्या हो गया, बोलती बंद हो गई है? बात करती है मालकन, ऐसी सफाई होगी? बात करती है। ये मारिया की अम्मा कौन है? हाँ बोलो। अच्छा, तो तू भरम लगा रही है, इस अस्पताल वालों के होश ठिकाने लगाएगी, और अगर तेरी बेटी होश में आई तो फिर क्या करेगी? अगर मेरी बेटी होश में ना आई तो तू जहां खड़ी है ना, यही मार दूंगी तुझे, समझे तुम? जिसम में पानी की बहुत कमी है, कंटिन्यू ड्रिप लगी रहेगी। सर खतरे वाली तो कोई बात नहीं ना? कुछ ड्रिप्स लग जाए, उसके बाद कुछ टेस्ट करवाने होंगे। आप एक काम कीजिए, आप पेशेंट के पास रहें, वो जैसे ही होश में आए आप मुझे फौरन इन्फॉर्म करें, राइट? ठीक ठीक है सर। वो उन हसीना जी को भिजवाइएगा। क्यों सर? मैंने जरा बड़े सख्त रवैये से उनसे बात की थी, माजरत करना चाहता हूँ। हेलो मेरी मारिया,
तू ठीक है? तू घर क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं हसीना बोल रही हूँ। वैसे उसका बाप कहाँ है? आ गया हैदराबाद से क्या? तेरे को क्या है, वो आए ना आए, कल सुबह आएगा। आए तो उसे सीधा मेरे पास भिजवाना। मैं अपने शोर को काहे को तेरे पास भेजूं? डांस करना है उसके साथ। बिस्तर पे पड़ी और शक कर रही है। एक कटी पतंग, टी पतंग। हमारा 200 रुपए का दिहाड़ी खराब हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हम इसको छोड़ेगा हाथ पे हाथ तोड़ा नहीं छोड़ेगा इसको, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। ओए औरत, डॉक्टर क्या है? वो एक औरत हमारा रक्षे का किराया लेके इधर अस्पताल में गायब हो गए, मिलते ही नहीं। कौन सी औरत? वे बड़ा शानदार औरत है, बड़ा जानदार औरत है। हाँ मैं समझ गई, वो उस साइड है इधर। हाँ हम इसको नहीं छोड़ेगा, इससे अपना किराया लेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लगता है इसको भी पड़ेगा। अरे हाँ भाई ठीक है तुम्हारी बेटी, अब टेंशन मत लो। हाँ हाँ घर आ जाएगी जल्द। अरे हाँ आमिर उसके साथ ही है। हसीना जी अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। वो डॉक्टर बुला रहा है आपको। दफा करो, वो नर्स को मैंने एक रसीद कर दी थी ना, उसकी शिकायत की होगी इसलिए बुला रहा है। आप भी मारिया की तरह हैं, नर्स को चिपका दी। अरे मुझे भरम करा रही थी, वो तो नर्स थी सो मैंने लिहाज कर लिया। होती कोई और तो खड़े खड़े जमीन में ना गाड़ती तो मेरा नाम भी हसीना नहीं है। ये तो सही कहा आपने। ये इतने दांत मत निकालो, तुम्हारे भी 32 के 32 यहाँ लड़खड़ा रहे होंगे। यूं रिपोर्ट देखी तुम? हाँ वो डॉक्टर कह रहा था पानी की कमी है, उसे ड्रिप लगी रहेगी। मारिया को होश आ जाए तो मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हो। खैर तुम हो ना मारिया के पास, मैं जरा डॉक्टर से मिला हूँ क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा 200 रुपए किराए का तो दे दो करना। खान भाई कितने बेवकूफ हो तुम भाई, एक 200 रुपए के लिए तुमने अपनी पूरी दिहाड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाँ 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 200 रुपए तुम्हें ये साहब दे देंगे। आमिर 200 रुपए दे देना, मुझे बहुत जरूरी जाना है। नहीं है यार अभी कूलर मेरे पास। कूलर नहीं है तो कोई बात नहीं, कूलर नहीं है तो 1000 का नोट है या 5000 का, हम कूलर देगा तेरे को, लाओ हमारे को दो। डॉलर है मेरे पास, वो भी 1000 का। डॉलर है वो भी 1000 का? हाँ। ओए यार तुम तो बहुत अमीर आदमी है। ओए हाँ बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, प्रोफेसर मिर्जा का बेटा हूँ। हाँ तुम प्रोफेसर मिर्जा का बेटा? हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर मिर्जा। मगर ये बताओ कि ये प्रोफेसर मिर्जा है कौन भाई? तो बहुत बड़ा आदमी है, तुम जैसे छोटे आदमी को नहीं जानता वो। अच्छा अभी मिल जाएंगे तुम्हें 200 रुपए यार, अभी नहीं है मेरे पास। क्या मतलब मिल जाए? ओए खुदा यार इस दुनिया का सारा पराठी आदमी मेरे को मिल गया है, तेरे को मैं नहीं छोड़ेगा, तेरे से 200 रुपया लेगा ये तेरे को हम बता दे। सबर करो खोचा। ओए पखुदाया रात हो गया, मेरे को 200 रुपया अभी तक नहीं मिला, फिर पता नहीं कब मिलेगी, कब आएगा। क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, सेकंड फ्लोर पे खिड़कियां साफ करते हुए गिर गए, बस सिर्फ बेहोश है। अच्छा मैं बड़े डॉक्टर को बुलवाती हूँ। किसी बड़े डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होश में लेकर आना है। अच्छा मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ, आप लोग इनको इमरजेंसी में लेके चलें। देखो इस औरत को देखो, इसका मर्द मर रहा है और ये बुरश करने में रात को भी लगा हुआ है। तौबा तौबा तौबा, कयामत का निशानी है ये तो। तौबा अल्लाह काफिर को भी ऐसा बेबी नहीं देवे यार, मेरा बाप का भी। तौबा यार तौबा तौबा। खाएगी सर? थोड़ा सा जहर दे दे। जहर तो नहीं है, एक काम कर,
आज बिस्किट खा ले, जहर फिर किसी दिन ले, ठीक? खुश नहीं है हमारी अब? हाँ, पहले से बेहतर है तबीयत, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम जाओ घर, मैं हूँ इसके पास। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। इसे ये फूड पॉइजन मेरी वजह से हुआ। कम ऑन, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गई है, सेहतियाब हो रही है। चलो एक काम करो, तुम फिर यहीं पे सो जाओ। हसीना जी, ये मरीजों का बेड है, अगर डॉक्टर ने देख लिया तो नाराज हो जाए। डॉक्टर देख लेगा ना तो हसीना डॉक्टर को देख लेगी। चलो लेटो, मैं उधर बैठती। अच्छा जी खाला। ए शमो, ए मारिया को तो बुला। अब वो अभी नहीं आई खाला। है? वो तो बोल रही थी कि मारिया ठीक है। वो अच्छा बड़ा डॉक्टर उसका चेकअप करेगा ना, फिर उसको छुट्टी देगा। तुम फिक्र मत करो खाला, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एक काम कर, ए शमो, आमिर से फोन मिला, मैं उससे बात करूंगी। जी खाला। हेलो। अब मेरे ख्याल में रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैंने तो आमिर को फोन किया था। ये आमिर का ही नंबर है। कौन? अरे हसीना जी, मैं शम्मो, आपके मोहल्ले की धोबन। अब वो 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 मरियम खाला है ना, उनको मारिया से बात करनी थी। हाँ, करा दो बात जरा मुझसे। हाँ। हेलो मेरी मारिया, तू ठीक है? तू घर क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं हसीना बोल रही हूँ। वैसे उसका बाप कहाँ है, आ गया हैदराबाद से क्या? तेरे को क्या है, वो आए ना आए, कल सुबह आएगा। आए तो उसे सीधा मेरे पास भिजवाना। मैं अपने शोर को काय को तेरे पास भेजूं? डांस करना है उसके साथ, बिस्तर पे पड़ी और शक कर रही है। बेशरम, बेशरम, थोड़ा थोड़ा, होला वाला। हेलो, हेलो, है मेरी बच्ची के साथ में। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मारिया की सांस उखड़ रही है। जल्दी। पहले ये मेरे शोहर को होश में लेकर आएंगे, फिर तुम्हारे मरीज को देखेंगे। एक मिनट जरा साइड पे होइएगा। आ गए होश में? हसीना जी, बड़ी टाइट किस्म की भूख लगी है, सर आप निहारी शेर तो मंगवा ले। अपना रवैया सख्त करो और निकलेंगे। मुश्किल लगता है, आंसू निकल रहे थे। अच्छा तफा करो, अपना टाइम जाया मत करो, आज बहुत सी मुर्गियां काटनी है। ठीक है। एक कटी पतंग। मारिया, 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 डॉक्टर, डॉक्टर! आप मुझे ये बताइए कि ये गिरे कैसे? मैडम मेकअप छोड़िए और डॉक्टर के सवाल का जवाब दीजिए। तुम्हें मेरे मेकअप से क्या जलाना है? ये यहाँ का मेकअप नहीं है, लंदन का मेकअप है। आप मुझे ये बताइए कि ये गिरे कैसे? मुझे क्या पता, धड़म से आवाज आई, जाके देखा तो ये गिरे पड़े थे। एक बार इनको होश में ले आए, फिर बार बार ऑपरेशन करते रहिएगा। इसका मतलब? मैडम को सुबह पार्टी में जाना है और जेवर का पता करना है साहब से कि कहाँ रखे हैं। जी बिल्कुल, एक बार इनको होश में तो लेकर आए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मारिया की सांस उखड़ रही है। जल्दी। पहले ये मेरे शोहर को होश में लेकर आएंगे, फिर तुम्हारे मरीज को देखेंगे। एक मिनट जरा साइड पे होइएगा। कहो, मैं तो आ गए होश में। चलिए डॉक्टर साहब। ओ बेगम साहब,
मेरे को अभी तक 200 रुपया नहीं मिला। तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब है खान कि तुम इस वक्त आए हो। 100, 200 हो गए पूरे। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। कसम रसम हो गया, तुम्हारे को यही 200 रुपया दे रहा था तो फिर मेरे को सुबह सुबह दे रहा था। भाई खुदा तुम्हारे को गरक कर, खुदा तुम्हारे को पत्थर मारेगा। तुम हमारे साथ जुलम किया, हमारा छोटा छोटा बच्चा भूखा वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। हसीना जी बड़ी टाइट किस्म की भूख लगी है, सर आप निहारी शेर तो मंगवा ले। हैं? मेरा निहारी का होटल नहीं है जो आप मुझे यहाँ ले आई हैं। मारिया तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था, एक उल्टी तो आई थी। सुना मैडम को कुछ भी नहीं हुआ, एक दर्जन ड्रिप्स लगने के बाद आपकी आंख खुली है। होटल का खाना खा के 12 घंटे बेहोश रही हैं आप, और अब होश में आते ही आपको निहारी चाहिए। जूस दीजिएगा सिर्फ मैडम को, सिर्फ जूस। ये कौन सो रहा है? आमिर है, जगाओ। नहीं नहीं रहने दें, सुबह जाते हुए जगा लेंगे। आप आ जाएं सो जाएं मेरे साथ। तुम्हारी ये ड्रिप? ये इसकी खैर है, रहने दें। अरे डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर की ऐसी कम पैसी। कुवत लो बताओ, अब औरतें भी इस तरह की गिरीवी हरकतें करने लगी, इस तरह के धंधे करने लगी है। पढ़ो ये खबर, देखो क्या हो गया जमाने को। क्या हो गया है आपको? एक तो आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, ऊपर से मुझसे ऐसी बेशर्मी की खबरें पढ़ने को कह रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करें, कुछ लिहाज करें। आप उस हसीना को पढ़ाने जा रहे हैं, ये विलायत की बेशर्मी ही सीख रहे हैं। अब मियां बीवी के दरमियान ये हया और शर्म का सबक कहां से आ गया? हर चीज का एक वक्त होता है। याद दहानी कराने का शुक्रिया। क्या अब अखबार पढ़ने के लिए भी कोई वक्त मुकर्रर कर रखा है आपने? बात अखबार की नहीं, इन बेहुदा खबरों की है। क्या मतलब है कि औरतें बेहुदा धंधा करने लगी हैं? तुम औरतों की सोच भी अल्लाह पनाह। ये औरतों के धंधा करने से मतलब ये था कि कुछ औरतें जाली अफसर बनकर लोगों को लूट रही हैं। ओ अच्छा अच्छा, अल्लाह की पनाह, इतना अजीम शान सोच का फुकदान। मारिया तुम बखत मारी सोती रहती है। ए मारिया, मारिया उठ जा, सुबह हो गई, उठ जा। अम्मा सुबह सुबह नींद की ऐसी तैसी ना फेरा कर। हाँ 2 बज रहे हैं सुबह ही सुबह। दोपहर के 2? नहीं, सुबह फजर के वक्त जो 2 बजते हैं ना, वो वाले 2 बज रहे। यार अम्मा छुट्टी वाले दिन तो सुबह सुबह उठा दिया कर। बहुत चाहिए उठाती हूँ तो तपती है, नहीं उठाती तो तपती है। अलार्म लगा के सोया कर ताकि खुद उठ जाए। अम्मा दिमाग ना चाट, नाश्ता बना। अरे इतनी बड़ी होगी है, लटकेगी कमबख्त, अभी तक चाय नहीं बना सकती। अम्मा मैं मुंह धो ना फिर अपना लेक्चर झाड़ियो, सुबह सुबह प्रोफेसर ना बनाकर। बिल्कुल दादी पे कहिए, बिल्कुल दादी पे। तू दादी को क्यों घसीटती है हर बारी? हाँ आई बड़ी दादी की चमची, दादी को क्यों घसीटती है? सुबह सुबह नहीं उठाएगी, 2 बजे उठाएगी छुट्टी वाले दिन में। सारा दिन निकाल दिया, ना कुछ कर सकती हूँ, ना किसी से फड्डा होगा मेरा। आराम से नाश्ता वाश्ता करें। ये क्या, 4-4, 6-6 माह के बिल अदा नहीं किया आपने? हद हो गई, मुल्क कैसे चलेगा?
एक घंटे के अंदर तमाम बिल अदा करो वरना तमाम लाइनें काट देंगे। मैडम जी, मेरे शौहर का पिछले दिनों काम काज बिल्कुल नहीं था, इसी वजह से ये बिल जमा नहीं करा सकी मैं। अच्छा, घर में केबल टीवी लगा हुआ है जी, और राशन दूध भी आता होगा घर में जी। ये तमाम चीजें आती हैं मुफ्त में, और जब बिल अदा करने की बारी आती है तो गुर्बत आ जाती है। एक घंटे के अंदर ये तमाम बिल अदा ना करें, पानी गैस बिजली तीनों लाइनें काट देंगी। चलो बीबी। बहन मेरी, मैडम जी से मोहलत दिलवा दो थोड़े दिनों की, मैं बाद में बिल जमा करवा दूंगी, कुछ दिनों की मोहलत दिलवा दो। ये पेट भरे लोग हैं, ये फाकों को नहीं समझते, ये नोट की बात समझते हैं। मेरे पास सिर्फ 700 रुपए रखे हुए, ये ले। 700? 700? 700 से क्या होता है? अंदर जाओ देखो और होंगे। खुदा की कसम, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास इन 700 के अलावा कुछ भी नहीं है। बस बस, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, जब गैस बिजली और पानी इस्तेमाल करती हो तब रोना नहीं आता। ठीक है, मैं मैडम से बात करती हूँ, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना तुम्हारी लाइन काटनी पड़ेगी, समझी? ₹700 हैं। अरे अपना रवैया सख्त करो और निकलेंगे। मुश्किल लगता है, आंसू निकल रहे थे। अच्छा तफा करो, अपना टाइम जाया मत करो, आज बहुत सी मुर्गियां काटनी है। ठीक है। अच्छा सुन, इससे ₹700 लेके अपने बैंक में जमा करो। ओके। और इसे धमकी दो ताकि ये अपनी जुबान बंद रखे और फौरन दूसरी गली में आ जाओ। ओके मैडम। जाओ। लाओ ₹700, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? टाइम पे बिजली का बिल भर देना, वरना लाइन काटनी पड़ेगी तुम्हारी, समझ गई? मतलब ये तमीज और तहजीब तुम्हें मारिया जी से मिली है? जी, वो पढ़ाने में खासी उस्ताद है, वो मेरा मतलब है महारत रखती है। मेरे हाथ में टिफिन, जो मेरी जाहिल माँ सुबह उठ के मुझे नाश्ता बना के देती है, और वो तेरी पढ़ी लिखी माँ जिसका इकलौता बेटा बगैर नाश्ते के ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे अपने इकलौते बेटे से ज्यादा अपने असूल पसंद है, जाहिल माँ बाप की औलाद कहता है। तू ना मुझसे शादी कर ले, ईमान से हीरे मोती में तोल दूंगा, हीरे मोती में। अबे यो हीरे मोती, पहले सब्जी और राशन का उधार तो चुका दे। कैसा खेल है, आरज़ू के खेल में ये भी कैसा खेल है, ना कोई जुदाई है और ना कोई मेल है, किसी के हाथ ना आएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे शोखियां भरे रंग, अजनबी ATV, सारे रंग हमारे।